फाइनली मैं वहाँ से चला आया हूँ जो कि इंडिया का लास्ट बॉर्डर था एक तरह से, और लास्ट इधर से ही मैं आया हूँ। और आप लोग अभी का नज़ारा देखो यार, क्या नज़ारा है, मतलब कि ऐसा लगा है कि राजस्थान में आ गए हैं हम। और दोनों साइड बालू बालू है, अगर ये समुद्र नहीं रहता तो ऐसा लगता कि राजस्थान में आ गए हैं। और एक जगह दुनिया में ऐसा भी है जहाँ पे समुद्र और रेगिस्तान मिलता है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सामने जो आप लोग देख रहे हो उसको नहीं है, तो वहाँ पर मैं ब्लॉगिंग इसीलिए नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ पर इतना गंदा मौसम था, क्यों मैं समझ नहीं सकता था कि भाई साहब इतना देर कैसे हो गया। हमको लगता था कि ये जो सामने देख रहे हो ना, क्या कहते हैं धनुषकोटी का आवाज़ टावर, हमको लगता था कि यहाँ पर आता होगा सब पर्यटक और चला जाता होगा, लेकिन मेरे दिमाग से उल्टा निकला भाई, मेरी यानी मेरे सोच से उल्टा निकला। वहीं पर सबसे ज़्यादा पर्यटक था, इतना भीड़ था कि वहाँ पर अगर मैं कुछ बोलता भी तो कोई आप लोगों मतलब वीडियो में सुना ही नहीं देता। तो आप लोग क्या बोलते, वीडियो में आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा हाँ, क्योंकि अभी इतना हवा चल रहा है ना पूछो मत, उससे कारण ना मेरा बात भी लड़ खड़ा रहा है। और अभी देखो कैसा नज़ारा हो चुका है, और मैं जा रहा हूँ और मेरा हालत ना आज पूरा ख़राब हो चुका है भाई। लेकिन एक बात मेरे को अच्छा लग रहा है अभी कि आते टाइम मेरे को इतना दिक्कत हुआ हवा को लेकर पूछो मत, मैं तो सोच ही नहीं रहा था कि आप पहुँच पाऊँगा, लेकिन फाइनली मैं पहुँच गया। और देख सकते हो मेरा सब ये लाइट सब भींगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ना मैंने आप लोगों को एक रील्स भी दिखाया था कि वहाँ पर इतना ज़ोर ज़ोर से पानी का छिटका आ रहा था, समुद्र को वाला पानी का पूछो मत। और मेरा हालत देख रहे हो क्या, रोड का कैसे हो चुका है पूरा, फिर भी मैं जा रहा हूँ। और चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी थोड़ा टाइम है, धनुषकोटी में अभी टूटा फूटा घर सब बचा हुआ है, वो सब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और जहाँ तक हमको लगता है ना, 1964 से पहले अगर तूफान नहीं आता तो ये धनुषकोटी ना एक अच्छा खासा शहर रहता भाई, जैसे रामेश्वरम है। लेकिन भाई साहब 1964 का जो तूफान आया ना, देख के आपको दर्द होगा कि मतलब मनुष्य को बचने का टाइम भी नहीं मिला होगा यार, कहाँ बहा के ले गया पता नहीं, मतलब देखोगे तो समझ सकते हो उसका दर्द। लेकिन जो हुआ सो हुआ, वो प्रकृति का ही कारण है। और अभी यहाँ पर वॉच टावर भी बना दिया गया है धनुषकोटी में, यहाँ पर पर्यटक सब भी आता है। और मैं देखा कि यहाँ पर ना मतलब लोग सब पक्का मकान नहीं बनाया है, बल्कि छोपर झापर वाला मकान बना के रखा है, और जब तूफान सब आता होगा तो चला जाता होगा ये लोग रामेश्वरम साइड या रामेश्वरम के उस साइड रामनाथमपुरम साइड। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है इधर सब होटल वाला ही है, मैं दिखाऊंगा। और इधर देखो, इधर भी होगा एक दो मकान, मैं दिखाता हूँ ये किधर गया, ये देखो इधर आएगा एक दिखाता हूँ, ये देखो टूट गया है पूरा, ये इधर देख रहे हो कैसे टूटा फूटा हुआ है, ऐसा लग रहा है बचने का भी मौका नहीं मिला होगा यार, तुरंत आया बहा हुआ के ले गया। मैं उधर जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को डर लग रहा है बाबा, तो पूरा ये सुनसान इलाका है, 5-6 मिनट के बाद देखना पूरा ये सुनसान इलाका हो जाएगा। मेरे को रात होगा ना तब मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं तो डरने वाला हूँ नहीं उतना, मेरे को भी डर लगता है भाई लेकिन मैं उतना नहीं डरता हूँ जितना डरना चाहिए। डर तो लगता रहता है कभी कभी, तो फट के हाथ में आ जाता है, ऐसा डर लगता है जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा ब्लॉगर नहीं बताएगा, मैं बता देता हूँ कि पड़ता रहता है भाई, अकेला हूँ ना इसी के, दो आदमी रहता है तो चलता है। इधर भी देखो एक मकान सब है पूरा, ये देखो कैसे मतलब टूटा हुआ है यार, ऐसा लग रहा है कि पानी इतना तेज से आया कि पूरा मकान है को ही तोड़ दिया। और ये झोपड़ टाइप से देख रहे हो आप लोग, इधर बना के सब होटल उटल रखे हैं। आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कुछ कुछ, यहाँ का जो चर्च था वो दिखाता हूँ जो कि बड़ी फेमस है, चलो वो भी मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और जो भाई लोग अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को मतलब जानकारी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। इधर देखो कितना टूटा फूटा है, और ऐसे ही बना के रखे हैं ऐसे ही घर, ताकि कभी मतलब आए ना तूफान सब तो है। और इतना बालू आया है पूरा वो घर ढक चुका है, वो
देख रहे हो थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को। और इधर होटल उटल बना के रखा है यार, होटल ही है ज़्यादातर, इधर लोग रहता नहीं होगा। मेरे को सिर्फ ये पक्का मकान दिख रहा है, नहीं तो कोई नहीं पक्का मकान है इधर। इधर पूरा धनुषकोटी होता होगा, लेकिन पूरा तूफान में ना तबाह हो गया यार। बालू बहुत उठता है यार, आँख मुँख में भर देता है, सब बंद करके चल दिया है। देख रहे हो इधर, देखो पूरा टूटा फूटा आप लोगों को दिख रहा होगा। चलो मैं उधर जाके दिखाता हूँ। और मैं आँख में क्या पहन लिया, ये देखो चश्मा, ताकि बालू ना पड़े। और ये पूरा इधर देखो कांटा कितना बड़ा बड़ा है, और ये सब पूरा इधर बालू है। मैं पूरा बालू में जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। और ये पूरा लगता है ना, क्या होता होगा मैं बताऊँ, ये पूरा लगता है स्टेशन होता होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा। देख रहे हो कैसा हालत हो गया है तूफान से। ये देखो यहाँ तक, मतलब क्या कहते हैं रे बाबा, पहले समुद्र नहीं होता होगा वहाँ तक, जरूर उधर होता होगा। और ये देखो पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है, पूरा था इलाका बन चुका है ये। सबसे इधर का फेमस है ना वहाँ का वो चर्च जो देख रहे हो ना, वही फेमस है। और ये ऐसा देख के आपको लगेगा कि ना कि ये पहले जब स्टेशन होता होगा धनुषकोटी का, और आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा ना, तो उसमें बताया भी है कि शायद धनुषकोटी तक ट्रेन आता था पहले, लेकिन अब नहीं। और उधर भी पूरा ये खंडहर हो चुका है ये, मतलब पहले तो बताया था कि ये अगर क्या कहते हैं 1964 में तूफान नहीं आता ना, तो एकदम रामेश्वरम टाइप से अगर ये शहर होता विकसित, लेकिन आ गया तो आप क्या कर रहे हैं। उधर लेके चलता हूँ, ये पूरा देख रहे हो ये सब होगा ना निकलेगा। उधर से अब पूरा आदमी आ रहा है पूरा खाली कर करके, अपन
जा रहे हैं इधर, तो यही सब मैं आप लोगों को दिखा रहा था। अब हो गया है अंधेरा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। और चलिए रामेश्वरम जाते जाते मेरे को नाइट हो जाएगा, यानी रात हो जाएगा, तो नाइट व्यू भी मैं दिखा दूँगा रामेश्वरम का छोटा सा आप लोगों को। ये देखो अभी ये पाया हुआ बचा हुआ है, हम लोग इसे पाया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देख रहे हो मैंने पहले भी बोला था ये है स्टेशन था पहले धनुषकोटी का, देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि ये टॉयलेट था भाई। ये देखो इसका स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है कि ये टॉयलेट था, देख रहे हो छोटा सा है एकदम छोटू सा। इधर एक मंदिर टाइप से भी बना हुआ है, भाई कितना बड़ा बिल्डिंग होता होगा ये। और उधर भी टूटा फूटा है सब कुछ, इधर कांटा है रे बाबा।